ಗದ್ದಾರೋ ಕೋಡಿ ಮಾರೋ ಸಾಧಕ್ಕೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ जो हमारा देशद्रोही पार्टी एसडीपीआई पीएफआई पार्टियों को बैन करना बोल के आज जय श्री राम सभी सनातनियों को। आज हिंदू जागृति सेने के उपलक्ष में हम विरोध प्रकट कर रहे हैं एसडीपीआई और पीएफआई के कंप्लीट बैन के ऊपर। तत्काल में उन सभी लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज होना और सभी लोगों का इंस्पेक्शन करना, ऑफिस हो चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि ये लोग हर चाहे देश विरोधी हो और धर्म विरोधी हो, देश और धर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देश का धर्म सनातन है, माने या ना माने ये तो है ही है। और दूसरी चीज़, ये लोग चुन चुन के मार रहे हैं और विशेषकर बीजेपी सरकार को, जो केंद्र में और राज्य में रहते हुए भी हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं उन सैनिकों को, जो लोग बचा नहीं पा रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे फ्यूल की तरह उपयोग मत करें, आंकड़े गिनिए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में सनातनियों को पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारा जा रहा है। कानून व्यवस्थाओं की खुले तौर पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, खुली चुनौती दे रहे हैं उस देश के प्रशासन को और देश को चला रहे राजनीतिक लोगों को। आप कुछ करें या ना करें, हम तो जो करना है वो कर रहे हैं। ये उपलक्ष्य में मार रहे हैं लोगों को। सुनिए आप, विरोध हम प्रकट कर रहे हैं, हम अभी भी सहनशील है, नहीं है बोल के नहीं है, लेकिन ये कानून की व्यवस्था से चलने वाला भारत है और हम पूरे सनातनी कानून की व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं। और ये जो देश विरोधी और विशेषकर सनातनी विरोधी गतिविधियां जो चल रहे हैं, उन सभी एनजीओज होंदे, संगठन होंदे और पॉलिटिकल पार्टीज होंदे, इन सभी को तत्काल में बैन करने के लिए ये विरोध प्रकट किया जा रहा है। और ये हम मांग करते हैं तत्काल में ये इसके ऊपर कार्रवाई हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जो कर्नाटक में जो चल रहा हिंदू कार्यकर्ताओं पर के जो हल्ले और जो मर्डर कर रहे, वो उसका पीछे जो है बोले तो सबको अभी आज भी कर्नाटक के लोगों को सबको मालूम है, वो जो है जो हमारा देशद्रोही पार्टी एसडीपीआई पीएफआई, वो दोनों संगठनों पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जी जितना जल्दी हो सकते है उतना जल्दी वो पार्टियों को बैन करना बोल के आज हम हिंदू जागृति सेना कलबुर्गी से आज मार्शल के केदार श्री और हमारे कार्यकर्ताओं के जो बाइक रैली के मुखांतर आके हम आज डीसी को मेमोरेंडम दिए सोए। चलते समय में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होम मिनिस्टर और सभी बीजेपी लीडरों को हम अभी एक बार गुजारिश करते हैं कि जो एसडीपी पीएफआई जो पार्टी है वो बैन करना बोल के।